सभी भाइयों को हितेश यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कन्हैयालाल डेयरी फार्म पर। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँच सके। रूटीन से एक शानदार झोटियों की वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा पशुधन आप भाइयों को दिखाया जाए। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज काफ़ी शानदार झोटी अपने ही गांव से कवर कर रहे हैं। गांव गाजी गोपालपुर, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसड़ी, हरियाणा से। जो आप कैमरे के सामने झोटी देख पा रहे, पहले भी हाथ में बच्चा देगी। झोटी के बारे में आगे डिटेल से जानकारी लेंगे, आपको भाई साहब से मिलवाता हूँ। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब, जो है कैमरे के सामने झोटी है, कौन सी बार बच्चा देगी? ये खार की भी आएगी। फर्स्ट टाइमर। कितना समय बाकी है अभी? डेढ़ महीना बच्चा भाई। डेढ़ महीने का समय बाकी है। बिल्कुल छोटे सींगी, काफ़ी शानदार हाइट लेंथ की आप देख सकते हैं। बिल्कुल जेड ब्लैक कलर के साथ काफ़ी बेहतरीन पीठ क्वालिटी, थन वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन निकालने लग रही है। अभी डेढ़ महीने का समय है तो काफ़ी साफ़ सुथरी बन के आएगी। बिल्कुल मुठिया आकार के थन, चारों थन बिल्कुल अलग अलग दूरी पर, काफ़ी शानदार स्पेस बनेगा। तो भाई साहब, ये अपने घर की है? घर की है भाई। इसकी माँ भी घर की ही थी भाई। सेल कर दिया? हाँ। कितना दूध निकालती थी भाई? 18.5-19 लीटर। 18.5-19 किलो दूध निकालती, तब सेल कर दी। हाँ, एक साल हो गई बेचा। तो ये कौन से सिमन की है भाई? M466। M466 की। और अब ये प्रेग्नेंट कौन से सिमन से करा? PC574 से अब ये प्रेग्नेंट करवा रखी है। दोनों HLDB के काफ़ी फेमस बुल रहे हैं, काफ़ी शानदार उनके मार्केट में रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट लेंथ की, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी झोटी के अंदर। डेढ़ महीने का समय बाकी है तो काफ़ी शानदार बन के आएगी। गर्दन की लंबाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे हेड की, बिल्कुल छोटा सींग शरीर पे जमता हुआ। तो भाई साहब, डाइट वगैरह हम क्या दे रहे हो अभी? गर्दन में जो जैसे सारी चीज़ें, जैसे अपना दलियो हो गया, बिंदोड़ा होगी, चाट होगी, गेहूँ का दलिया, बिंदोड़ा, और घी तेल वगैरह दिया है कुछ? ये भी दे दें, तेल भी दे दें कभी कभार। और अब अड्रेस वगैरह, ये कभी कभी परमानेंट चालने से पर एक शीशी पिला दी। हाँ, मतलब काफ़ी शानदार भाई साहब ने तैयार कर रखी है। काफ़ी कलर पीठ क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार चमक झोटी के अंदर, काफ़ी अच्छी डाइट पे तैयार कर रखी है। तो मदर रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है, उम्मीद है झोटी से काफ़ी अच्छा दूध निकालेगी, काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर बना के लेके आएगी। अभी से काफ़ी शानदार बढ़ने लग रही है। डेढ़ महीने का समय काफ़ी ज़्यादा होता है, और पहले भी आपकी झोटी तो ब्याहने के बाद में लास्ट टाइम में ज़्यादा बन के आती है। अभी तो थनों के स्पेस तो काफ़ी शानदार है झोटी का। तो भाई साहब, सेल करनी है? हाँ, सेल करनी है भाई। क्या मजबूरी है सेल करने की? मजबूरी तो सही कि थोड़ी बहुत पर करनी से सेल। अच्छा, काम की समस्या होगा? हमारे माँ का काम ना हो। और भी पशु आपके पास? हाँ, एक है, वो भी दोनों बेचनी निकाल रखती है। दोनों ही बेचनी है। हाँ। काम वगैरह की समस्या है तो इसलिए भाई सेल कर रहे हैं। काफ़ी शानदार भाई ने तैयार की, और मदर रिकॉर्ड भी इनकी माँ तो हमने देखी हुई है, काफ़ी साल भाई साहब के पास रही थी। 18.5-19 किलो नॉर्मल डाइट में रूटीन में दूध देती थी, और लंबे समय तक दूध देती थी। तो ब्रीडिंग के लायक झोटी है, जो भी भाई लेने का इच्छुक हो वो ब्रीड तैयार करके अच्छे काफ़ी झोटी से तैयार कर सकते हैं। ब्लड लाइन काफ़ी अच्छी है, माँ का रिकॉर्ड भी, खुद भी अच्छे सिमन से, और आगे प्रेग्नेंट भी काफ़ी सारा रिकॉर्ड है। मतलब झोटी का कहने का मतलब ये है, तो इस टाइप की झोटी कभी कभी आपको देखने को मिलेगी सारे रिकॉर्ड के साथ। तो भाई साहब, एक बार अपना मोबाइल नंबर बताओ। 999-60-61-62-67-7 999-60-61-62-7 कोई भी भाई लेने का इच्छुक हो भाई से संपर्क कर सकता है। तो आने वाले टाइम में मुर्रा बहुत कम हो गई है मार्केट में, बहुत कम पशुधन रह गए हैं, तो मार्केट में रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो आप इस टाइप की झोटियाँ तैयार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो भाई ने तैयार की, अच्छे सिमन का चुनाव करें। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ, सिमन पे ज़रूर ध्यान दें। बिल्कुल एक आम पशुपालक है, और काफ़ी अच्छे सिमन का चुनाव कर रखा है भाई ने। तो ब्रीडिंग पे ज़रूर ध्यान दें सिमन पे, क्योंकि आने वाले टाइम में इनके रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं आज भी मार्केट में, और आगे और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और दूध बेच के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम ऐसी कटिया तैयार करके सेल करेंगे तो भी किसान का अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ब्रीडिंग पर ज़रूर ध्यान दें। तो आज के वीडियो में हमने आपको काफ़ी शानदार फर्स्ट टाइमर झोटी दिखाई, और ये मतलब चौथे दांत अब तोड़ चुकी है।
चौथे दांत निकालने लग रही है, देखे थे मैंने, कोई भी भाई आकर देख सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम आप भाइयों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अंत में सभी भाइयों को हितेश यादव की तरफ से नमस्कार।